सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो हमारी आज की वीडियो है वो है व्हाट इज कॉम्पोजिट स्कोर एंड नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। तो यार, अब आगे जब आपका रिजल्ट आएगा, आपकी रैंक्स आएंगी, तो ये टर्म्स आपके बहुत ही काम आएंगी। एंड आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कॉम्पोजिट स्कोर एंड क्या होता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, बिकॉज जो आगे आपकी रैंक आने वाली है वो आपकी कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पर ही आएगी। एंड जो आपका प्रॉपर रिजल्ट बनेगा वो शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज होने के बाद ही बनेगा। तो ये दोनों ही टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। एंड मैं आपको आज सारी डिटेल्स दूंगा इन्हीं दोनों टर्म्स के लिए, एंड कैसे आप अपना खुद का कॉम्पोजिट स्कोर निकाल सकते हो ये बताऊंगा आज इस वीडियो में। सो अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल सक्सेस विद संस्कार को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, यार अभी कर लो, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो यार, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्पोजिट स्कोर के बारे में। तो यार, आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी आगे रैंक आएगी वो रैंक्स आपकी आएंगी कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे। सो देखो यार, डीयू जेट कंसिस्ट होता है आपका, जो उसका रिजल्ट आता है वो आपका आता है दो पार्ट्स को इंक्लूड करने के बाद। एंड वो दो पार्ट्स है आपका डीयू जेट का स्कोर और आपकी क्लास 12th की बेस्ट 4%। तो डीयू जेट के एग्जाम में जो आपके डीयू जेट के स्कोर की वेटेज है वो है 65% एंड 35% वेटेज है आपके क्लास 12th के बेस्ट 4% की। एंड जो आपके क्लास 12th के बेस्ट 4% है उसमें आपके इंग्लिश और मैथ्स इंक्लूड होना कंपलसरी है। तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद ही जो है आपका कॉम्पोजिट स्कोर निकल के आता है। तो यार देखो, यहां पे मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल लेके। फॉर एग्जाम्पल, एक ए नाम का लड़का है, उसका डीयू जेट का स्कोर आया है 300 out of 400। तो अब आपको जो है 65% पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले जितना भी आपका स्कोर आया है उसको आप टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल नंबर से आपको डिवाइड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए नाम के बंदे के 300 मार्क्स आए हैं एंड टोटल 400 मार्क्स का पेपर था, तो हमने डिवाइड कर लिया 300 को 400 से, तो जो हमारा आएगा वो आएगा 0.75। अब इस जो भी आपका वो आएगा डिवाइड करने के बाद, उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 65 से टू डिटरमाइन 65%, ठीक है ना। तो जब हम इसको 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा डीयू जेट का पार्ट आ जाएगा, स्कोर आ जाएगा, वो हमारा आएगा 48.75। आपके केस में ये कुछ और हो सकता है, जितना भी आपका स्कोर आया बस उसको आप टोटल मार्क्स से डिवाइड कर दो एंड उसको आप 65 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका डीयू जेट का 65% वाला पार्ट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट है, जो है आपकी क्लास 12th की बेस्ट 4%। सो उस ए नाम के लड़के के जो है 90% आए हैं बेस्ट 4 में, सो हम उसे डिवाइड कर देंगे 90/100 एंड उसको करने का हमारा आएगा 0.9। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 35 टू डिटरमाइन 35% वेटेज एंड उससे हमारा जो आंसर आया वो आया है 31.5। अब आपकी जितनी भी बेस्ट 4% है उसको आप 100 से डिवाइड कर दो एंड 35 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब जो आपका 35% की वेटेज का आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो यार, ये जो दो आपके आए हैं, ये आपका आया 65% के लिए एंड ये आपका आया 35% के लिए। अब आप इन दोनों को प्लस कर दो एंड आपका जो कॉम्पोजिट स्कोर है वो आ जाएगा। तो इस केस में अगर किसी के 300 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 400 एंड 90% आए हैं क्लास 12th के बेस्ट 4 में, तो उसका जो कॉम्पोजिट स्कोर बनेगा वो बनेगा 80.25। तो ये आपका कॉम्पोजिट स्कोर निकल के आ गया है। आप अपने केस में सॉल्व करके इजीली फाइंड कर सकते हो अपना कॉम्पोजिट स्कोर। एंड मार्क माय वर्ड्स, जो आगे आपकी रैंक्स आएगी, जो आपका रिजल्ट आएगा, वो सब डिपेंड होगा आपके कॉम्पोजिट स्कोर में, बिकॉज डीयू जेट में खाली स्कोर नहीं देखा जाता। 65% आपकी स्कोर की वेटेज होती है डीयू जेट के एंड 35% आपके क्लास 12th की बेस्ट 4% को देखा जाता है। एंड फिर से मैं बता रहा हूँ, क्लास 12th के बेस्ट 4 में आपके मैथ्स और इंग्लिश कंपल्सरीली इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यार, मेन चीज ये है कि अब क्या होता है, कई बार जो है किसी का स्कोर कम रह जाता है डीयू जेट का किसी से, लेकिन अगर उसका कॉम्पोजिट स्कोर कंबाइन करने के बाद ड्यू टू हिज क्लास 12th बेस्ट 4% उसके
दूसरे बंदे से ज्यादा रैंक आ जाती है। तो ये सब खेल है आपके कॉम्पोजिट स्कोर का, एंड कॉम्पोजिट स्कोर आपके दोनों ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो है आपका DUZ स्कोर एंड आपकी क्लास 12th की बेस्ट 4%। सो आई होप आपको सारी डिटेल्स पता चल गई होंगी कॉम्पोजिट स्कोर के रिगार्डिंग। तो अब आप अपना खुद का कॉम्पोजिट स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो एंड इसी के बेसिस पे आगे जाके आपकी रैंक निकलेगी, ठीक है ना। तो यार ये चीज ध्यान रखो कि खाली DUZ के स्कोर पे आपका कॉलेज डिपेंड नहीं करता, दोनों ही फैक्टर्स पे डिपेंड करने के बाद ही आपको आगे रैंक मिलेगी एंड उसी के अकॉर्डिंग आगे आपको कॉलेज मिलेगा। तो ये हमारी बात हो गई है कॉम्पोजिट स्कोर के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। सो यार सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लगता क्यों है एंड क्या है इसका रियल मीनिंग। देखो यार जब भी कोई एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट होता है, तो वैसे तो यार हर एक पेपर सेटिंग अथॉरिटी ये सोच के ही पेपर बनाते हैं कि किसी भी शिफ्ट के बच्चों को डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े एंड कोई भी शिफ्ट को जो है डिसएडवांटेज ना फेस करना पड़े। बट फिर भी यार जब भी कोई क्वेश्चन चेंज करके दूसरी शिफ्ट में डालते हैं, तो मे बी जो है किसी शिफ्ट का पेपर थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है कंपेरिजन में दूसरी शिफ्ट के। So, यार अब उस डिसएडवांटेज को या फिर उस डिफिकल्टी को कंपनसेट या फिर इक्वेट करने के लिए एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। अब ये कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके लिए एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला यूज किया जाता है। आई डोंट थिंक सो कि उसको जानने की जरूरत है आपको, बस मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एंड कैसे ये आपकी शिफ्ट्स के लिए अप्लाई होता है एंड किस तरीके से ये अप्लाई किया जाता है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। देखो यार आप सब जानते हो कि DUZ का एग्जाम आपका दो शिफ्ट्स में कंडक्ट हुआ है एंड देखो यार सपोज कर लेते हैं कि जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है वो स्लाइटली डिफिकल्ट था फर्स्ट शिफ्ट से, ठीक है ना, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है ना। अब ये पता कैसे चलेगा कि आपकी शिफ्ट का जो एग्जाम है वो डिफिकल्ट था दूसरी शिफ्ट के एग्जाम से? ये पता चलता है एवरेज स्कोर देखने के बाद। दोनों ही शिफ्ट के जितना भी एवरेज स्कोर आएगा, तो जिस शिफ्ट का भी एवरेज स्कोर कम होगा, दैट मींस कि उस शिफ्ट का जो पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है दूसरी शिफ्ट से। तो फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर आया है वो आया है 220 फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। एंड ऐसे ही सेकंड शिफ्ट है उसमें जो एवरेज स्कोर आया बच्चों का वो आया है 200। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जिस भी शिफ्ट का एवरेज स्कोर कम है उस शिफ्ट में जो है थोड़ा पेपर डिफिकल्ट था दूसरी शिफ्ट के कंपैरिजन में। सो इस केस में सेकंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर कम है, दैट इज 200, एंड फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो है 220। तो अब देखो आप कहोगे यार अब हम सेकंड शिफ्ट में थे तो हमारे को डिसएडवांटेज हो गया। अब काफी लोग कह रहे थे कि भाई हमारी शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट था तो अब क्या होगा, उनको बेनिफिट मिल जाएगा हमें नहीं मिल पाएगा। यार ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका जो आपकी शिफ्ट का पेपर रियलिटी में डिफिकल्ट था तो आपकी शिफ्ट का एवरेज कम आएगा एंड वो कंपनसेट करने के लिए आपके लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा। अब देखो मैं बहुत ही इजीली आपको समझाता हूं कि ये अब आपको इससे क्या बेनिफिट होगा। सो विद सेम स्कोर यू विल गेट रैंक अबव शिफ्ट वन स्टूडेंट। तो अगर आप शिफ्ट टू से बिलोंग करते हो एंड अगर आपकी शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट रहा था, तो अब अगर आपका 230 का स्कोर है फॉर एग्जाम्पल एंड जो दूसरा एक बच्चा है जो फर्स्ट शिफ्ट का है उसका भी 230 का स्कोर है, तो आपकी जो रैंक है वो उस फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे से ऊपर आ जाएगी, चाहे आपका और उसका स्कोर सेम क्यों ना हो। ये होता है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको ये चीज समझा दी है कि चाहे आपका और उस फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे का स्कोर सेम हो, लेकिन आपकी शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट था, तो आफ्टर अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आपकी रैंक उस वाले बच्चे से ऊपर आ जाएगी। अब देखो यार इसमें भी काफी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डालते हैं, जैसे कॉम्पोजिट स्कोर हो गया, प्रॉपर डिफिकल्टी हो गई। बट यार मेन चीज ये कि अगर आपकी शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट था एंड मेन चीज ये कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लगने के बाद आपको जो है वो डिसएडवांटेज इक्वेट कर दिया जाएगा, कंपनसेट कर दिया जाएगा, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। एंड ये चीज आप रिजल्ट में भी नोट कर सकते हो प्रीवियस ईयर के भी, और जब आके रिजल्ट आएगा आप देखोगे कई बच्चों के जो है सेम स्कोर होते हैं, बट कईयों का ऊपर आ जाता है कईयों का नीचे आ जाता है, तो उसका एग्जैक्ट रीजन ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ही होता है एंड वो ही होता है जिससे प्रॉपरली एक बेनिफिट मिलता है उन बच्चों को जिनका पेपर जिनकी शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट गया था। सो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस एंड अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। एंड यार ये टेंशन मन से निकाल दो कि अगर आपकी शिफ्ट का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था तो उसके लिए आपको सफर करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही के लिए बना हुआ है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जिससे कोई भी डिसएडवांटेज आपको नहीं होगा। सो गाइस दैट्स
इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी। देखो यार शेयर कर दो अपने सारे ही फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक कर दो, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है यार अभी कर लो, एंड मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।